जितने भी ट्विन फ्लेम्स के वीडियो मैं सुनती थी उसमें इनर वर्क को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, और मैं जो थी मैं काफ़ी सालों से इनर वर्क कर चुकी थी, क्योंकि मुझे इतना गंदा वाला डिप्रेशन 20 की एज में ही आ चुका था। मतलब पूरी लाइफ ऑलरेडी मेरी डिप्रेस ही रही थी, क्योंकि मदर नहीं थी तो अकेलापन बहुत था लाइफ में, कोई दोस्त मेरा बनता नहीं था, बना भी तो मेरी स्टेप मदर उसको रहने नहीं देती थी। तो कुछ ना कुछ वो ऐसे करती थी कि कहीं दूर से फ्रेंड हो तो मेरी दूर से ही होती थी, जिसको मेरे स्टेप मदर मतलब नहीं जानती थी। कॉलोनी में कोई मुझसे मतलब फ्रेंडशिप नहीं कर सकता था। तो उस डिप्रेशन की वजह से ही शायद जो मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी और रेकी सीखा, तो रेकी की वजह से शायद वो ऊर्जा जो है काफ़ी जंप ले चुकी थी। बट मैं कहती हूँ ना, मैंने 8-8 घंटे मेडिटेशन किया है, फिर भी कभी जो है मेरी कुंडलिनी राइज नहीं हुई। एक्टिवेट ज़रूर हुई, बट वो मुझे सिम्टम्स उस टाइम पे पता नहीं थे कि ये जो है इसको कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं, जागरण कहते हैं। इतना अवेयरनेस नहीं था, इतने वीडियोस भी नहीं थे उस टाइम पे, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं सिर्फ जो थी मैं दुनिया से भागना चाहती थी, मैं जो थी मैं दुनिया को समझ नहीं पा रही थी, वो क्या सोचते हैं, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, आपके बोलने का क्या मतलब निकलता है, लोग किस तरह से सोचते हैं, संस्कारी एग्जैक्टली होता क्या है, संस्कार एग्जैक्टली कहते किसे हैं। मैं जो थी थोड़ी अजीब कह सकते हैं, जब भी ये कुंडलिनी अवेकनिंग सिम्टम्स जिनके भी लाइफ में होते हैं, तो पूरी लाइफ मतलब कह नहीं सकते कि नॉर्मल होती है, पूरी तहस महस। तो जब भी मैं वीडियोस देखती थी कि आपको इनर वर्क करना चाहिए, और मैं जो थी मेरा जो डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था 2020 से, तो मुझे अब लगा नहीं कि जैसे ऐसे लगा कि ये आखिरी सांस चल रही है मेरी, मैं नाजुक हो गई पूरी तरह से जो है, इतनी नाजुक हो गई शरीर से मन से आत्मा से, पूरा मेरा मतलब कैरेक्टरिस्टिक पूरे इतने नाजुक हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आईसीयू में हूँ, वो भी छोटे बच्चों वाले, इतनी नाजुक कंडीशन में हूँ। ऐसा मुझे लगा कि अब मैं जो हूँ इतना हाई लेवल का इनर वर्क मैं नहीं कर सकती। और मैंने ये मतलब मुझे पता था कि जितना करना था मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मतलब एक होता है ना, आप थोड़ी नींद लो आपके लिए ठीक है, लेकिन जितनी नींद लेनी है उतनी आप ले चुके हो, तो उससे ज़्यादा आप ले भी नहीं सकते। जब आप फ्रेश महसूस कर रहे हो तो उससे ज़्यादा नींद आप ले नहीं सकते थे। तो उसी तरह से मेरा जो एक मेडिटेशन का पीरियड हुआ वो काफ़ी मतलब अच्छा हुआ, बहुत मैंने जीवन में मेडिटेशन कर लिया। तो इस सेंसिटिव अवस्था में मेरी वो कंडीशन ही नहीं थी कि अब जो हूँ मैं कोई इनर वर्क करूँ, कोई मेडिटेशन करूँ। तो कभी कभी गलती से 15 दिन में एक बार मेडिटेशन कर लेती थी, या महीने में एक बार भी कह सकते हैं। तो कभी कभी ज़बरदस्ती भी थोड़ा म्यूज़िक लगा कर कर लेती थी, बट वो हो नहीं पा रहा था मुझसे। तो मैंने, क्योंकि मैंने देखा भी था कि ज़बरदस्ती मेडिटेशन करने के कितने नुकसान होते हैं, वो भी मैंने देखा था। जैसे यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब इन सब चीज़ों का पालन करना आवश्यक है। आपको थोड़ा सा अनुलोम विलोम एटलीस्ट आपको जो है कम से कम अनुलोम विलोम करना चाहिए, तो अपने आप मेडिटेशन कर सकते हो। पर मेरी वो थी नहीं कंडीशन, तो मैं सोचती, मैंने वो स्किप कर दिया। मैं इतने वीडियोस देखती थी ट्विन फ्लेम के, सब में इनर वर्क बताते थे, बट मैं इनर वर्क गलती से भी नहीं करती थी। मैं आपको जीवन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस में मैंने बताया कि साईं बाबा मेरे सपने में आए थे, जब मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। तो मैंने उस ड्रीम में देखा कि मैं मतलब लोग बहुत मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भाग रहे हैं। मैं जो हूँ एक भागते 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 मैं एक गांव में चली गई, जो गांव एक्चुअल था मेरे नानी का, अब वहाँ पे कोई नहीं रहता, बट वो एक सिंपल बहुत ही छोटा सा गांव था जहाँ पर जो है चूल्हे पे खाना पकता था सब कुछ। तो मैंने देखा जैसे मतलब शिरडी टाइप, शिरडी कैसे पूरी पुरानी होगी, और वहाँ पे साईं बाबा दिखे, तो मुझे ऐसा लगा
बाप रे जान में जान आ गए। मतलब जो लोग मारने के लिए, मतलब मैंने देखा एक रिक्शा निकला है, रिक्शा में से 15-20 लोग जो है अलग अलग टाइप के हथियार लेके मेरे पीछे, मतलब वो कहो ना प्यार है, मतलब मैं कैसा सिचुएशन है, दोनों भागते हैं। तो मुझे मेरा हस्बैंड भी दिखाई दिया कि वो भी मेरे साथ है, हम दोनों के पीछे जो है वो मारने वाले लोग लगे हैं। तो हम जो है वो गांव में गए, वहाँ पे हमको साईं बाबा दिखे, हम जो है रिलैक्स हो गए और उस उनके पीछे पीछे चलते गए। फिर वो हमें शिरडी ले गए, शिरडी से वो हमें मेरे हस्बैंड के गांव ले गए। बट मैं गांव ले जाने के बाद मैंने देखा कि उसने उसको, मतलब साईं बाबा ने जो है उसको कहा कि तुम उस तरफ देखो, मतलब अब तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं डिवाइन फेमिनाइन के साथ, तुम उस तरफ देखो। और मेरे लिए फिर हाथ ऊपर करके उन्होंने कहा कि अब मैं यहीं पे हूँ। तो मुझे वो एग्जाम्पल रियल लाइफ में किस तरह से देखने को मिला मैं बताती हूँ। मैं पद यात्रा के लिए निकली थी और जो वो जो लोग थे सारे गांव के थे, खेतों में काम करने वाले थे, गांव के थे, कुछ अच्छे घर के भी थे। और मैं बहुत जल्दी पंक्चर हो गई, तो मेरे लिए बड़े कमेंट्स वो मुझे काफ़ी बुरा लगा। एक्चुअली उन्होंने चिढ़ाने के लिए नहीं कहा था वो, बट उन्होंने वो कहा कि ये बम्बन के लोग जो होते हैं ना बड़े नरम होते हैं, तो मतलब जो कह आ रहा था बस कास्ट पे कमेंट कर रहा था कि बम्बन के लोग मतलब कुछ दम नहीं होता इन लोगों में, ऐसे होते हैं बड़े नरम होते हैं। तो वो जो थी खेत में काम करने वाली बहुत औरतें उसमें थी, और वो जो बुढ़ी बुढ़ी औरतें 70-75 साल की थी वो तो बड़े स्ट्रांगली चल रही थी, लेकिन मैं जो थी पंक्चर हो गई। तो उसमें कुछ अच्छे घर की लेडीज़ भी थी और वो भी बड़ी स्ट्रांग थी और वो चल रही थी एटलीस्ट, मतलब 4 दिन तक तो वो चल पाई, मैं पहले ही दिन पंक्चर हो गई। तो फिर भी जो है मैंने मतलब आखिरी सांस तक, जैसे कहते हैं ना, दम नहीं छोड़ा। तो वो जो पदयात्रा निकली तो वो उसी गांव तक पहुंची जहां जो है मेरे माँ का मैका था, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता, और ड्रीम में साईं बाबा में मुझे वहीं पे दिखे थे। तो मुझे देखो ये पदयात्रा जा रही थी साईं बाबा तक, जो वहाँ जहाँ साईं बाबा का शरीर है, समाधि तक, मतलब शिरडी तक। तो मुझे ड्रीम में ही साईं बाबा ने दर्शन दिए थे उसी गांव में। तो तब मुझे समझ में आया कि ये भी एक ड्रीम में कई सारे मतलब होते हैं। तो ये भी एक मतलब था कि तुम्हारी पदयात्रा यहीं तक है क्योंकि मैं तुम्हें यहीं मिलने वाला हूँ, तुम्हें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा ही एग्जाम्पल अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे मिला कि मतलब मैं पूरी बात बताती हूँ। तो मैं पंक्चर हो चुकी थी, मैं चलने लायक नहीं रही थी क्योंकि एक दिन मैं बहुत चल चुकी थी, बहुत दौड़ाया उन लोगों ने, वो 15-15, 20-20 किलोमीटर, कभी 25, एक बार तो 35 किलोमीटर वो चले लोग, दन 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 दन, बिल्कुल एक सेकंड नहीं रुकते थे, भागते ही थे, उनका चलना चलना ही नहीं था, भागना था। तो मुझे ऐसे लगा मैं अगर ऐसे चलूंगी तो मेरे पैर की हड्डी टूट जाएगी, ऐसा मुझे लगा था। मैं साईं बाबा के नाम पे बॉम्ब मारते मारते कैसे तो एक दिन चली। और मैंने फिर भी मैंने मतलब क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं वो यात्रा कंप्लीट करूँ, पर वो लोगों की जो कैपेसिटी थी वो मेरे अंदर नहीं थी। तो मैं सारा जो ग्रुप है आगे निकल गया और मैं जो थी रास्ते पे एकदम अलोन थी। तो उन लोगों को चिंता होने लगी कि ये जो है हमारे स्पीड से चल नहीं रही है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं उन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ अगर तुमसे चलना नहीं हो रहा। तो मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी में नहीं, मुझे पदयात्रा पैर से ही कंप्लीट करनी है। तो मैं मतलब मेरे पैर नहीं उठ रहे थे, पैर में जो थे जो फोड़े कहते हैं ना वो आए थे और पैर में सूजन आ गई थी, मतलब एक कदम भी जो मैं चल नहीं पा रही थी। घर में वापस आने के बाद 8 दिन तक मैं चल नहीं पाई, इतने वो ख़राब हो गई थी हालत मेरी। और बहुत वो ग्रुप काफ़ी 5-6 किलोमीटर आगे चला गया और मैं जो थी अकेली थी। तो कुछ लोग, एक दो मेल्स थे, उन्होंने थोड़ा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे पीछे वो थे, और मैंने मतलब बात नहीं मानी। तो लास्ट कदम जब तक मेरा चला तब तक मैं चलती रही
उसके बाद जब मेरा कदम उठा ही नहीं तो ऑटोमेटिक मैं गाड़ी में पहुंच गई। लेकिन मैंने देखा कि लास्ट कदम मेरे वहां तक चले जहां ड्रीम में मुझे साईं बाबा ने मेरे नानी के गांव में दर्शन दिए थे, तो मैं नानी के गांव तक ही पहुंच पाई और उसके आगे मैं नहीं चल पाई। तो मैंने कहा, मैंने मतलब दुख तो हुआ कि मेरी पदयात्रा कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने आत्मा को समझाया कि देखो तुम्हारी जितनी शक्ति थी ना तुमने वो अर्पण कर दी। उन लोगों के पास तो क्या है, 15 दिन क्या, वो तो साल भर और भी चल सकते हैं, उनके शरीर में इतना स्टैमिना है, पर तुम्हारे अंदर जितना भी शरीर में स्टैमिना था वो तुमने अर्पण कर दिया, तो तुम इस बात का दुख मत मानो, ऐसे मैंने अपने आत्मा को समझाया। सेम उसी तरह पे जब मुझे समझ में आया कि ये कितनी इम्पोर्टेंट जर्नी है, हर एक चैनल पे लोग समझा रहे थे कि कुंडलिनी आपकी राइज हो जाती है तो इस जर्नी में आप जो है काफ़ी मुश्किलों से छूट सकते हो, आपको काफ़ी रिलैक्स मिल सकता है, आपका रियूनियन हो सकता है, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बट मेरी कैपेसिटी ही नहीं थी क्योंकि मैंने इतने मेडिटेशंस ऑलरेडी कर लिए थे। जैसे कहते हैं ना कि इतनी नींद के बाद आप नहीं नींद ले सकते, अगर आपको फ्रेशनेस फील हो रहा है उस टाइम के आपका उठने का मन करेगा ना, फिर से नींद लेने को कैसे मन करेगा। तो वो मेरा ऐसा डार्क नाइट ऑफ सोल था कि अब मेरे अंदर कैपेसिटी ही नहीं थी कि मैं जो थू मेडिटेशन कर सकूं। तो मैंने ईश्वर से कहा, भगवान मुझे, मैं तो ICU में हुआ तो मेरी अब कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं जानती है क्या है कुंडलिनी अवेकनिंग वगैरह, मैं कुछ नहीं जानती। और मुझे लगा था कि शायद मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग जो है हो चुकी है, क्योंकि मुझे स्पाइक तो मतलब 22 साल से ही शायद जहाँ पे बंदर की पूंछ होती है ना उस जगह पे मुझे 22 साल से ही, क्योंकि मैंने जो अपना मास्टरशिप का अट्यूनमेंट करवाया था रेकी का, तो उसी जगह पे वो जो है ट्रिगर करते हैं, तो वाइब्रेशन देते हैं, तो उसी तरह से मतलब उस जगह से तब से मेरे अंदर वहाँ उस जगह पे जो है स्पाइक एक एनर्जी में फील करती थी कभी कभी, जो कि इतनी रुक गई उस स्पाइक के बाद कि मतलब ब्लॉकेज वहाँ पे क्रिएट हो गया कि बाद में वहाँ पे जो है एनर्जी फील ही नहीं हो रही थी। पर जैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो गई फिर से वो स्पाइक जो है थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए, ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े, और बढ़ने लगे, और बढ़ते 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 जो मैंने डेट बताई है 13 नवंबर 2021 को वो पूरी तरह से जो कुंडलिनी शक्ति है ऑटोमेटिक राइज हुई। उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने प्राणायाम किया, ना मैंने मेडिटेशन किया, कुछ भी नहीं किया, कि जबकि शिरडी में भी मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, मतलब सरेंडर लेकिन मैंने इतना ज़बरदस्त किया ईश्वर को कि। तो आज ये टॉपिक है कि क्या सचमुच कुंडलिनी अवेकनिंग कराने की ज़रूरत है। तो देखो भाई, आप जो हो, आपको क्या कहा गया है, चूजन वन, मतलब आपको जो है इस शक्ति ने, कुंडलिनी शक्ति ने आपको चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है कि मैं जो हूँ इसकी बॉडी के अंदर रहूँगी, तो इसीलिए तो आप चूजन वन हो। चूजन वन का क्या मतलब है, उन शक्तियों ने जो है आपको चुना है, आप माध्यम हो उस शक्तियों का, तो आप नहीं चुन रहे उनको, आप नहीं, कोई भी जो है कुंडलिनी शक्ति को चुन नहीं सकता कि माता कुंडलिनी आप आइए और मेरे अंदर विराजिए। तो मैं मतलब मेरे अंदर एक अवेकनिंग हुई कि सचमुच कितनी गलत चीज़ें हो रही है। सच मुझे एक बहुत बड़ी अवेकनिंग हुई उस टाइम पे कि मैंने देखा यार, मैंने तो कोई मेडिटेशन नहीं किया, योगा नहीं किया, प्राणायाम तक नहीं किया, और खाने पीने पर भी मेरा ध्यान नहीं है, सबसे कट ऑफ हूँ मैं, दिन रात जो हूँ पिक्चर के गाने देख रही हूँ अपने आप को डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर निकालने के लिए, तो फिर भी मेरी कुंडलिनी कैसे राइज हुई, कैसे ऊपर चढ़ी। लिटरली जो स्पाइक होती है ना रीढ़ की हड्डी, नीचे से लेकर जहाँ तक वो हड्डी ख़त्म होती है गर्दन के ऊपर जाकर, तो आपको लिटरली ऐसा लगता है कि कोई चींटी है साइड में, 3.5 फेरे कहते हैं ना नीचे घूमती है वो, हाँ वो नीचे 3.5 फेरे घूमती है,
आपको ऐसा लगता है कि कोई ज़बरदस्त चींटी वहाँ पे है और आप हाथ लगा के देखते हो कि क्या कोई चींटी है, बट कोई चींटी नहीं रहती है, आप बहुत ढूंढते हो, चींटी नहीं रहती है वहाँ पे। और वो जो है फिर वो ऐसा लगता है, स्ट्रांगली फील होता है कि एक ऊर्जा जो है चींटी की तरह चुपते हुए एकदम वो हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ रही है। लिटरली एक चींटी आपको लगती है कि कोई ज़बरदस्त चींटी है जो ऊपर चढ़ रही है, और वो होती है वाइब्रेशन टाइप की ऊर्जा होती है जो ऊपर चढ़ती है। उसके बाद जो है उसके बाद मेरे माइंड में काफ़ी रिलैक्स फीलिंग आना शुरू हो गई, जो कि इतने सालों में जो है मैं मिस कर रही थी, उस पीस को, उस एक आत्मिक शांति को, जो तब जाकर वो आत्मिक शांति मुझे मिली है जीवन में अभी कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद। अभी भी डिस्टर्ब होती हूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं, बट वो शक्ति मुझे जो है काफ़ी रिलैक्स कर देती है। आई थिंक उसी शक्ति के जागने के बाद कुछ मिराकल्स होते हैं लाइफ में, जैसे कुछ चीज़ें शायद आपको मिल जाती है, अबेंडेंस मिल जाता है। तो मैं उस मतलब कुंडलिनी शक्ति का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ये जो कुछ भी लाइफ में मिलता है ना, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत बार देखा है, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है जो किसी को नहीं मिली, और वो छीन भी ली गई तो मैं उस चीज़ में ना फंसी नहीं रहती हूँ। मुझे पता है जो मिला है वो जाएगा भी, जो गया है वो आएगा भी, मतलब आना जाना ये तो मतलब जीवन का नियम है, परिवर्तन। तो इसमें फंसे मत रहो, जो एक ही धागा है ईश्वर के साथ वो ही पक्का है, बाकी तो सारे टूट जाने हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस शक्ति को ज़बरदस्ती मत जगाओ। अगर चाहते हो तो जो है जिनके अंदर भी ये शक्ति जागृत हुई और अच्छे परिणाम दिए हैं इस शक्ति ने, तो वो भक्ति योग से जागृत हुए हैं, वही लोग जो है इस शक्ति को हजम कर सकते हैं। गलत तरीक़ों से अगर आप, मैं कहती हूँ गुरु के सानिध्य में कहते हैं लोग, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इसे भक्ति योग से अगर आप एक्टिवेट करते हो तो ये आपको हजम होगी। अगर किसी गलत तरीके से, गलत इरादे से अगर आप इसको जागृत करने की कोशिश करोगे तो ये बर्बाद कर देगी। देखो डार्क नाइट ऑफ सोल, डिप्रेशन में ना योगा करना अच्छा है, मेडिटेशन करना अच्छा है, लेकिन आप गलत फहमी में मत रहो कि इस योगा से, मेडिटेशन से जो है आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। देखो मैंने कितना 15-15 साल तक तपस्या की है और उसके बाद 4 साल तक कुछ भी नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिक जागृत हुई है। तो अगर आप समझते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर 1 साल में आप तपस्या कर लोगे और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तो भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हूँ। मैं एक इंडिगो चाइल्ड हूँ, स्टार सीड हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 37 की एज में इसको खुद नहीं जागृत किया, ये खुद से जागृत हुई है। अगर ये मेडिटेशन से जागृत होती, तो 15 साल तक मैंने 8-8 घंटे मेडिटेशन किया है, तब ये क्यों नहीं जागृत हुई? तो साफ मतलब है कि मेडिटेशन से अगर आप सोचते हो कि कुंडलिनी जागरण होता है तो ये गलत है। ये शक्ति तभी जागृत होती है जब इसका मन करे कि हाँ मैं इसके अंदर जागृत होना चाहती हूँ, और वो तब होता है जब पूरी तरह से आप ईश्वर को समर्पित हो, सरेंडर हो, उसकी आवाज़ सुनते हो, तभी ये शक्तियाँ आपको चुनती है। तो जो भी आप इनर वर्क करते हो, वो फिजिकल, मेंटल, हर लेवल के लिए कर रहे हो, ऐसा आप समझो, ये इंटेंशन रखो, कुंडलिनी जागरण के लिए ये गलत है, मतलब ये कंसेप्ट ही गलत है कि आप जो हो मेडिटेशन करके कुंडलिनी जागरण करवा लोगे। तो ये सब करने से, इनर वर्क से आपकी कुंडलिनी राइज नहीं होती है, समझे आप? इनर वर्क सिर्फ आपके फिजिकल, मेंटल, हर लेवल के लिए ठीक है, पर आप सोच रहे हो कि किसी का गाइडेंस लेके आप इनर कुंडलिनी जागृत करवाओगे, तो ये कंप्लीट फाल्स है। मैं इसके ऊपर फुल्ली मारती हूँ।
सालों जीवन भर लोग तपस्या करते हैं, उनकी जागृत नहीं हुई, तो 1-2 साल में आपकी कैसी जागृत होगी, आप खुद ही सोच लो। तो आप कोई भी गलत फहमी में मत रहो, इतनी ही मेरी प्रार्थना है आपसे कि इनर वर्क से कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, कुंडलिनी जागृत खुद से होती है, क्योंकि आप चूजन वन।